वेट लॉस कौन नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि वो अपना वजन कम करे और एक स्वस्थ जीवन बिताए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना वजन कम कर सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड करके। तो होता क्या है कि हर कोई वेट तो लूज़ करना चाहता है, बट हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी हो गई है, जो दिन भर हम काम करते हैं ऐसे हो गए हैं कि एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और साथ ही साथ हमारी खाने की हैबिट भी बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ जा चुकी हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें दिन में खाते हैं। ये दोनों चीज़ें जब हम करते हैं तो इससे हमारा वेट गेन होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है। अब एक्सरसाइज करने के लिए लोग टाइम नहीं निकाल पाते और खाने में भी वो डिस्क्रिप्शन नहीं रख पाते, वो नहीं सोच पाते कि इसको खाने से उनका वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा 10 फूड आइटम जिनको आपको अपनी रूटीन से अवॉइड करने हैं। सिर्फ 10 ऐसे आइटम हैं जिनको आप अवॉइड कर लेंगे तो आपका वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, या फिर अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वो कम भी होना शुरू हो जाएगा। और कई लोग मुझसे शिकायत रहती है कि मैं जो हूँ सिर्फ आपको बताता हूँ कि क्या नहीं खाना है, यानी बताता हूँ कि क्या खाना है उसकी जगह। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 10 आइटम आप अवॉइड तो करेंगे, लेकिन उनको अवॉइड करके आप किस डिफरेंट आइटम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं ताकि आपका जो टेस्ट है वो भी मीट होता रहे, साथ ही साथ आप एक हेल्दी फूड भी खाते रहें। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो। नंबर वन मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको खाना छोड़ना है वो है चीनी। जी हाँ, चीनी जो है वो आप चाय में लेते हैं, खीर में लेते हैं और कई सारे और तरीके से भी दिन में लेते हैं। चीनी आपके शरीर में जाके फैट बन जाता है, ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लेते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। तो चीनी को अवॉइड करें, और अगर आप चीनी के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप हनी ले सकते हैं। हालांकि हनी भी बहुत ज़्यादा ना लें, थोड़ा थोड़ा लें, चीनी की तलब को कम करने के लिए हनी लें। इससे फिर भी वेट कम बढ़ेगा या कंट्रोल में रहेगा, लेकिन चीनी से तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा। नंबर दो, दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है चावल, सफ़ेद चावल। अब कई सारे लोग तो मुझसे इस बात पर नाराज़ हो जाएंगे, शायद वीडियो भी बंद करने की सोचेंगे कि चावल कैसे खाना छोड़ सकते हैं, चावल तो वो रोज़ खाते हैं, उसके बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, चावल आपको बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस आप वाइट राइस से, जो कि पॉलिश राइस होते हैं, उससे आप ब्राउन राइस में चले जाइए। देखिए ब्राउन राइस और वाइट राइस में अंतर क्या होता है, तो वाइट राइस जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक तो पॉलिश्ड होता है और उससे उसका बीज निकाल दिया गया होता है, तो फाइबर कम कर दिया गया होता है, पॉलिश करने के लिए ज़्यादा स्टार्च उसमें ऐड किया जाता है, वो चीज़ आपको ब्राउन राइस में नहीं मिलती। ब्राउन राइस में आपका बीज रहता है और स्टार्च की मात्रा भी कम होती है, तो वाइट राइस तो अच्छा है, ब्राउन राइस लें, इससे आपका वेट कंट्रोल होगा। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है मैदा। जी हाँ, समोसे हों, चाहे मोमोज हों, चाहे नूडल्स हों, हर जगह मैदा मिला होता है, और मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, ये रिफाइंड आटा होता है, और इस आटे को अगर आप खाएंगे, इस मैदे को अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, साथ ही साथ आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो मैदे को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी खाएं होल व्हीट आटे का खाएं, आटे के मोमोज भी बन जाते हैं, आटे के समोसे भी बन जाते हैं, और आटे की बिस्किट भी बन जाते हैं। चौथे नंबर पर जो आपको खाना अवॉइड करना है वो है डीप फ्राई, गहरा तला हुआ खाना। डीप फ्राई खाना बिल्कुल बंद करिए, और उसकी जगह हो सके तो या तो एयर फ्रायर एक ले लीजिए, या फिर जो लाइट फ्राइज होता है तवा फ्राइड, वो खाना शुरू करें, इससे भी आपका वेट कम होने में मदद होगी। पांचवें नंबर पे जो खाना आपको अवॉइड करना है वो है पूरा अंडा, यानी होल एग, यानी कि एग योक और एग वाइट भी, इसको खाना आप बंद कर दें और इसकी जगह सिर्फ एग वाइट लेना शुरू करें, क्योंकि एग योक में बहुत ज़्यादा फैट भी होता है, जबकि एग वाइट में प्रोटीन एग योक के बराबर ही होता है, लेकिन फैट उसमें बिल्कुल कम होता है। छठे नंबर पे जो आपको अवॉइड करना है वो है रेड मीट, यानी कि मटन आप अवॉइड करिए, और हो सके जितना चिकन खाएं वो भी कम मसाले वाला चिकन खाएं, कम तेल वाला चिकन खाएं। सातवें नंबर पर जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है आइसक्रीम, और कई सारे लोग इससे काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे कि मैं उनको आइसक्रीम खाने से मना कर रहा हूँ, लेकिन आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा ही मीठा डेजर्ट खाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बादाम मिल्क पीने के लिए। चीनी कम लें, हनी डाल के लें, और हो सके तो बिना चीनी के ही लें बादाम मिल्क। आठवें नंबर पर जो चीज़ आपको दिनचर्या में अपनी अवॉइड करनी है वो है फ्रूट जूस। जी हाँ, कई लोग ये सोचते हैं कि ऑरेंज जूस या ऐसी फ्रूट जूस जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हेल्थ के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि सारा फाइबर जो है वो निकल गया होता है जूस में, और
मैक्सिमम जो जूस होते हैं वो कंसनट्रेट से बनते हैं, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स के फूड के नहीं बचे होते हैं, सिर्फ फ्लेवर बचा हुआ होता है और सिर्फ चीनी बची हुई होती है जो आपके शरीर में जाके आपका मोटा करती है। तो फ्रूट जूस अवॉइड कीजिए और फ्रूट्स खाइए। जी हाँ, फ्रूट जूस अवॉइड कीजिए, फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में फाइबर होता है, नेचुरल शुगर होता है जो बॉडी इजिली अब्जॉर्व करती है, फैट में नहीं बनने देती है, और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है। 9वें नंबर पे जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है स्वीट्स यानी मिठाइयाँ और मिल्क चॉकलेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करता है मीठा खाने का तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डार्क चॉकलेट लें इनकी जगह, लेकिन डार्क चॉकलेट में भी चीनी तो मिली होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो डार्क चॉकलेट लें स्वीट्स और मिल्क चॉकलेट की बजाय। और 10वें नंबर पर जो आखिरी चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है जो आपके शरीर में जाके आपके फैट को बढ़ाती है, साथ ही साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी सेहत के लिए हानिकारक हैं। और जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक को बटर मिल्क यानी कि छाछ यानी कि मट्ठे से रिप्लेस करें, क्योंकि छाछ में फैट बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है और बहुत हेल्दी है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों, ये 10 चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, दिन भर में इसको अवॉइड कीजिए और ज़रूर आपका वेट कंट्रोल में आने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और देखते रहिए एवरेज इंडियन चैनल वेट लॉस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।